तो क्या राजस्थान में जिस प्रकार से लोकसभा चुनाव के परिणाम भाजपा के पक्ष में नहीं रहे हैं, उसको देखते हुए भाजपा अपने संगठन में, राज्य में एक बड़ा बदलाव कर सकती है? ये चर्चाएं लगातार बाजार को गर्म कर रही है कि राजस्थान में भाजपा के नए प्रदेश अध्यक्ष का ऐलान जल्दी हो सकता है। कुछ लोगों का कहना है कि प्रदेश अध्यक्ष की तलाश जारी है, तो कुछ लोगों का ये भी मानना है कि प्रदेश अध्यक्ष की तलाश पूरी हो चुकी है लेकिन औपचारिक ऐलान बाकी है। परिणामों की बात करें तो राजस्थान की 25 लोकसभा सीट में से 11 इंडिया गठबंधन और 14 NDA भाजपा के हाथों राजस्थान में इस बार लगी है। ये करारी एक तरीके से परिणामों में हार भाजपा की राजस्थान में देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर इस प्रकार के परिणाम का अनुमान किसी को भी नहीं था, यहाँ तक कि कई कांग्रेस के नेताओं को भी नहीं था कि वो 11 सीटें उनका इंडिया गठबंधन राजस्थान में जीतेगा। हालांकि भाजपा के पास यहाँ इंडिया गठबंधन से ज़्यादा सांसद हैं, 3 सांसद ज़्यादा है, 14 का आंकड़ा भाजपा के पास है, लेकिन फिर भी परिणामों ने भाजपा को पूरी तरीके से हिला कर रख दिया है। अब नए प्रदेश अध्यक्ष को लेकर चर्चा हो रही है तो उसमें कई नाम सामने आ रहे हैं। एक तरफ राजेंद्र गहलोत, तो वहीं श्रवण सिंह बगड़ी का नाम भी इसमें शामिल है। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का नाम भी सामने आ रहा है, तो एक नाम प्रभुलाल सैनी का है। जी हाँ, 2 बार वसुंधरा राजे सरकार में मंत्री रहे प्रभुलाल सैनी। अब प्रभुलाल सैनी को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है तो इसमें प्रमोशन और एंट्री वसुंधरा राजे की मानी जाएगी, क्योंकि इस बार के राजस्थान लोकसभा चुनाव में वसुंधरा राजे झालावाड़ 12 के बाहर एक भी सभा करने नहीं आई, जिसकी वजह से ही कुछ लोग बताते हैं कि राजस्थान में इतना नुकसान भाजपा को हुआ है। अगर वसुंधरा राजे झालावाड़ 12 से बाहर आकर कुछ सभा कर लेती तो शायद राजस्थान में इतना नुकसान भाजपा को नहीं होता। अब पार्टी ये चाहेगी कि वसुंधरा राजे आगे जब उपचुनाव है, पंचायती राज चुनाव है, आगे जब पालिका के चुनाव है, तो वसुंधरा राजे पूरी तरीके से एक्टिव दिखे, सक्रिय दिखे। उसके लिए वसुंधरा राजे के लोगों को सही जगह देना ज़रूरी है। तो क्या प्रभुलाल सैनी वसुंधरा राजे के कोटे से राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष बनने जा रहे हैं? क्योंकि कुछ बिंदु हैं जो हम आपको बताना चाहते हैं, जिसके तहत ये हो सकता है कि प्रभुलाल सैनी राजस्थान में भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हों, और अगर वो अध्यक्ष बने तो वसुंधरा राजे की है ये री एंट्री होगी। सबसे पहला, प्रभुलाल सैनी हाड़ौती से ही आते हैं और उनकी राजनीति में एंट्री के लिए वसुंधरा राजे की ही उसको देन माना जाता है। माना जाता है कि प्रभुलाल सैनी की शुरुआती राजनीति में वसुंधरा राजे ही उन्हें लेकर आई और उन्हें हाड़ौती में बेहतर तरीके से स्थापित किया। वहीं प्रभुलाल सैनी की पहचान तेज तर्रार और ज़मीनी राजनीति करने वाले नेताओं में रही है, वो माली समाज से आते हैं। ऐसे में प्रभुलाल सैनी का डायरेक्ट कनेक्ट जनता और वसुंधरा राजे के साथ है। एक खास बात ये कि प्रभुलाल सैनी राजस्थान में 2 बार मंत्री रहे, वसुंधरा राजे राजस्थान में 2 बार मुख्यमंत्री रहीं। वसुंधरा राजे के 2 बार के मुख्यमंत्री के कार्यकाल में प्रभुलाल सैनी को विभाग मिला बतौर मंत्री, दोनों ही बार उन्हें कृषि और पशुपालन दिया गया। तो ऐसे में प्रभुलाल सैनी के नाम का जब ये चीज़ें सामने आती है तो वसुंधरा राजे का भी नाम सामने आता है कि अगर प्रभुलाल सैनी आगे आए, यानी कि वसुंधरा राजे आगे आई, क्योंकि अगर प्रभुलाल सैनी प्रदेश अध्यक्ष के पद पर काबिज हुए, इसका मतलब वसुंधरा राजे ही भाजपा राजस्थान में आगे संचालित करेंगी, क्योंकि आगे 5 सीटों पर उपचुनाव, आगे राजस्थान में पंचायती राज चुनाव, आगे राजस्थान में पालिका के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में जो वसुंधरा राजे को साइडलाइन करने का खामियाजा भाजपा को लोकसभा चुनाव में भुगतना पड़ा है, वो कहीं आगे इन चुनावों में ना हो जाए, इसका डर कहीं ना कहीं पार्टी को सता रहा होगा। लेकिन सिर्फ प्रभुलाल सैनी का नाम नहीं है, नाम राजेंद्र गहलोत का भी है, नाम सतीश पूनिया का भी है, नाम श्रवण सिंह बगड़ी का भी है। ऐसे में प्रभुलाल सैनी की दावेदारी ज़्यादा मजबूत दिखती है, लेकिन भाजपा लगातार चौंकाने वाले फैसले करती रही है, चाहे वो टिकट बंटवारा हो, संगठन में लोगों को जगह देनी हो। हालांकि इस वक्त सभी नेताओं के पास अपनी अपनी जिम्मेदारी है, सतीश पूनिया हरियाणा में चुनाव के प्रभारी हैं, राजेंद्र गहलोत सदन में हैं, तो वहीं श्रवण सिंह बगड़ी भी पार्टी में एक पद पर काबिज हैं, प्रभुलाल सैनी भी पार्टी में राजस्थान में उपाध्यक्ष हैं। ऐसे में
किसे क्या जिम्मेदारी मिलेगी ये देखना होगा। तब तक के लिए मैं आकाश आपसे लेता हूँ विदा, आप देखते रहिए राजस्थान चौक।